अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको रिबन के साथ टसल बनाना सिखाऊंगी। टसल बनाने के लिए मैंने जो रिबन यूज़ किया है उसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंच है और लेंथ मैंने ली है 8 इंचेस। मैंने रिबन के सारे पीसेस काट लिए हैं। अब एक टसल को बनाने के लिए 2 रिबन के पीसेस जो हैं वो यूज़ होंगे 8-8 इंचेस वाले। रिबन को पकड़ के एक साइड से धागे जो हैं वो निकालने शुरू कर देने हैं। पहले दूसरे धागे तो छोटे छोटे निकलेंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक लंबा वाला धागा निकल जाएगा। मतलब ये एक धागा पकड़ा और सारा धागा जो है वो इससे निकल जाएगा। साइड पे जो है वो एक बारीक सा धागा सा है, ट्रांसपेरेंट सा बना हुआ। अब जब हम उस वाले बड़े वाले धागे को खींचते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा धागा अटकता है, लेकिन अगर हम इस वाले धागे को साइड वाले किनारी वाले धागे को निकाल देंगे, एक ही साइड पे होता है ये वाला धागा किनारी पे, ये निकाल देंगे तो फिर जो बाकी है धागा वो बहुत ही ईजीली निकल जाएगा बगैर जो है वो अटके। ये देखें, यहाँ पर रख के मैं इसको खींचती जाऊँगी और ये सारा धागा जो है इसका साइड वाला वो निकल जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे वाले रिबन के धागे भी निकाल लूँगी। निकालने के बाद अब एक टसल बनाने के लिए 2 रिबन वाले धागे यूज़ होंगे, क्योंकि जो टसल बनाना है वो थोड़ा सा थिक बनाना है। अब सुई में धागा डाल लिया है और बिल्कुल जो इनका दरमियान है वहाँ पे एक नॉट लगा ली है। नॉट लगाने के बाद एक बीड लेके मैं यहाँ पे रख दूँगी टसल के बिल्कुल नीचे और ऊपर से धागों से उसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद ये यहाँ पे नीचे जो टसल के नीचे है वहाँ पे धागे से नॉट लगा ली। अब सिर्फ बीड वाली शेप ही नज़र आ रही है। अब दरमियान में से फिर से सुई को निकाला है, मैंने सुई को कट नहीं किया था, सुई को निकाला है। वहाँ पे फिर से एक मोती रखा है और उसकी भी जो साइड्स हैं उसके ऊपर हम नॉट लगा लेंगे सुई वाले धागे से। नॉट लगाने के बाद जहाँ पे अगर बीड नज़र आए वहाँ से हम धागों से दोबारा कवर कर देंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद ये ऊपर वाली साइड से भी यहाँ से कुछ थोड़ा सा नज़र आ रहा था बीड, मैंने वहाँ पे भी टांका लगा दिया है। अब इसको दुपट्टे पे लगाने से पहले मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा मोती लगा के फिर इसको अटैच करूँगी दुपट्टे के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।